नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पीटीआई के बाद अब खेल कोटे में भर्ती हुए ग्रुप डी के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के एक डबल बेंच ने एक निर्णय के बाद में नौकरी से हटाने का आदेश दिया। हटाए गए कर्मचारियों ने टाउन पार्क में बैठ करके सरकार के खिलाफ रोष भी जताया। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। प्रदेश में पीटीआई के बर्खास्त होने के बाद अब खेल कोटे में भर्ती हुए 1518 कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। हाई कोर्ट के डबल बेंच के एक निर्णय के बाद अब उन्हें नौकरी से हटाने के आदेश दिए गए हैं। अब इन कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की उम्मीद की है। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है ताकि उनकी नौकरी को बचाया जा सके। सिरसा जिले में हटाए गए कर्मचारियों ने आज टाउन पार्क में बैठ करके सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया और मांग की है कि कम से कम सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी कर उनका पक्ष मजबूती से रखे। अब देख रहे हैं पल पल के विशेष रिपोर्ट। तो एक ऐसा जजमेंट आया था जो 7 सितंबर को रिजर्व किया था माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच ने। इस फैसले में सरकार जीत गई। सरकार क्या जीतती? मामला ये था कि थोड़े टाइम पहले ग्रुप डी के 18,000 की भर्ती हुई थी, उसके अंदर हम खेल कोटे से इसके अंदर हमने जॉब पाया था। इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी उसके अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी कि भी जो कैंडिडेट खेल कोटे से लगना चाहते हैं वो सिर्फ ग्रेजुएशन अटैच करें। उसके अंदर ये नहीं लिख रखा था कि 93 की खेल पॉलिसी के ग्रेडेशन हो या जो ये सरकार 25/5/18 खेल पॉलिसी लेके आई थी उसके प्रमाण पत्र हो, वो बात क्लियरली नहीं लिख रखी थी। हमने क्या किया, वो ग्रेडेशन लगा के अपने जो हमने खेल के पाए थे रिटर्न क्लियर कर लिया था और फिर हमें सरकार ने ऑनलाइन स्क्रूटनी के बेस पर हमें जॉब पर ले लिया था। सरकार ने ऑफलाइन स्क्रूटनी लेती तो सरकार अपना क्लेम कर सकती थी कि भी आप हमारी नई पॉलिसी में नहीं आते तो हमारा सिलेक्शन बेशक ना करती। लेकिन जींद का चुनाव सरकार के सर पर था। जींद चुनाव जीतने के लिए हरियाणा सरकार ने हमारे 1518 खिलाड़ियों की बलि दे दी, इन घरों के चूल्हे बुझाने का काम किया है। और सिंगल बेंच से हम तो इन्होंने हमें पहले बर्खास्त किया था सरकार ने, तो हम स्टे ले आए थे। डबल बेंच से हमें स्टे मिल गया था। अब डबल बेंच की जो अदालत ने सरकार की बात मानी तो हम तो इस चीज का बड़ा विरोध करते हैं कि हमारे साथ ये बद्दा मजाक क्यों किया कि हमारे को पहले कह देते ऑनलाइन स्कूटनी के बजाय ऑफलाइन स्कूटनी करके कि हमारी नई पॉलिसी के अंदर आओ। उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कहीं लिख ही नहीं रखा कि नई ग्रेडेशन के अकॉर्डिंग ग्रेडेशन हो, नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग या पुरानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसका नुकसान ये हो गया कि 5-5 नंबर से तो हम कई वैकेंसियों से वंचित हो गए और हमारे भाई बहन भी 1.5-2 साल से जो 5-5 नंबर से कई वैकेंसियों से वंचित हो गए। सरकार ने अपना सिट्टा सेक लिया, जींद उपचुनाव जीत गई। अब ये शायद बड़ौदा उपचुनाव भी जीतना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकार से बड़ी विनम्रता से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा अत्याचार किसी अन्य युवा पर मत कर देना। हमारे साथ जो किया है सरकार को सद्बुद्धि दे। हम तो सरकार के प्रतिनिधियों से मिलते थे तो हमें ट्रॉफियां दी जाती थी। हमारी जो अगली रणनीति है हम सुप्रीम कोर्ट में जाके, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, एक बार सटे अपील करेंगे और निरंतर लड़ाई जारी है। इस सरकार से हम अब भी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी ढंग से पैरवी करे, हमें पीटीआई ना बनाए जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये सरकार से उम्मीद रहेगी और अपोजिशन से भी मैं उम्मीद रखूंगा कि वो इस बेरी सुई सरकार को जगाने का काम करे और हमारे हितों, हमारे जो हित हैं उस हितों में आवाज बुलंद करने का काम करे। सुप्रीम कोर्ट में हमारी मदद करो, मदद करो, मदद करो। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार सद्बुद्धि में आओ, सद्बुद्धि में आओ। सरकारी कर्मियों की जॉब को कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो। हरियाणा सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बाल करो, बाल करो, बाल करो। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पैरवी ढंग से